हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सुशांत सिंह। ये देखिएगा, यहाँ पर मिलाड कॉलोनी में बाटा चौक के पास यहाँ पर वेहकल एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो वैगनार कार है, ये देखिए यहाँ पर ये वैगनार कार है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर तमाम तस्वीरें देखिए। भाई साहब क्या हुआ था, कौन सा यहाँ पे आप थे? भैया कौन थे भैया, आप थे यहाँ पे? क्या हुआ था? चार पांच लड़के गाड़ी में आ रहे थे जी, काफी तेज गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जी। तो यहाँ पर एक लेडीज और उसकी लड़की साथ में थी जी, उन्होंने इसमें टक्कर मार दी। अच्छा, मौका वारदात पर पहुंचे तो ये काफी नशे में की हालत में थे। अच्छा, नशे की हालत में थे? चार पांच लड़के, छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची कितने साल की थी? पाँच साल की, तीन चार साल की होगी लास्ट, तीन चार साल की होगी। अच्छा, तो पुलिस को फोन किसने किया, आपने किया? पुलिस का फोन मैंने ही किया जी, क्योंकि मुझे मेरी चीख लग रही थी। भैया एक बंदा था इसमें मैम जी, जिससे मेरी हाथापाई हुई थी। अच्छा, आपकी हाथापाई भी हुई है? ये देखिएगा, यहाँ पर हाथापाई भी हुई है भैया के साथ। धमकी दे के गया है कि तुझे तो और बाद में तेरे कितना पैसा लगेगा फूट होगा। अच्छा, आपको धमकी दे के गया है? वो धमकी दे के गया कि मारेंगे तुमको बाद में। ये आप देख सकते हो जी, हमें बैठे पड़े थे जी, एक बच्ची थी, एक लेडीज थी जी, सामान लेने आई थी, साथ पानी भरने आई थी, मुझे नहीं पता जी। हमें बैठ के बात करनी, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। कितनी कितनी तेज थी गाड़ी की स्पीड, कितनी तेज थी? अब आप इसका अंदाजा, ये पैप मोड़ा पड़ा है जी, एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखाइए पाइप मोड़ा पड़ा है यहाँ पे कहाँ पे। ये देखिएगा, यहाँ पर ये पाइप मुड़ गया, ये पाइप मुड़ गया। ये देखिएगा, यहाँ पर ये इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ है कि ये देखिए साइकिल भी, ये देखिए आप। और मौके पर भारी पुलिस भी है, मौजूद है और मिलाड कॉलोनी में मौजूद हूँ। तो भैया कितनी स्पीड रही होगी? धमकी दी है, खासकर मेरे को दी है कि पैसा कितना लगेगा देखूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, धमकी तो गाड़ी नंबर क्या है इसका? गाड़ी नंबर आगे है, आगे है, देखिएगा। दारू की बोतल भी पड़ी हुई है। अच्छा, दारू की बोतल भी है, आप आगे पीछे देखिए। ये देखिएगा, ये गाड़ी नंबर है, ये गाड़ी नंबर है DL3CBU8990, ये गाड़ी नंबर है। अच्छा, दारू की बोतल बता रहे थे आप, कहाँ पड़ी है? अच्छा, दारू की बोतल कहाँ पड़ी है? पड़ी दारू की। अच्छा, हाँ पड़ी तो है, ये यहाँ या नहीं यहाँ? अच्छा, ये रही ये कोई देसी? अच्छा, आ रही है। अच्छा, तो पुलिस को किसने फोन किया भैया? पुलिस को मैंने फोन करा। अच्छा, आपने किया? हाँ। जी, तो कितने देर पहले की घटना है ये? बीस पच्चीस मिनट हो गए। 20-25 मिनट हो गए। टैकेज है वो बंदा कि अगर ये जो जैसे यहाँ पे हादसा हुआ था, हमने पकड़ने की कोशिश की थी तो उसने गले बात पकड़ा था। आप ये देखो जी, कह रहा कि तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो घायल को कहाँ से भर्ती कराया गया? पता नहीं, उस टाइम इतने बंदे आ गए ये भी कि हमें घेर लिया था यहाँ पे जी, उनको यहाँ दिखा दे वहाँ दिखा दे, पैसा कितना लगेगा फूंक देंगे जी, बाकी तुमने मुझे पकड़ा है तो मैं देख लूंगा जी। फिर पुलिस की जैसी जिप्सी आई है तो सारे बजे तो वो सारे लोग भागे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो भाई साहब क्या क्या सूचना मिली? भाई साहब मौके पर आए हो भाई साहब जी जी। ये देखिएगा, मौके पर जो है यहाँ पर तीन ईआरवी वैन है और यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ है। और ये देखिएगा, यहाँ पर सेक्टर 11 की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है भाई साहब, तीन बंदे। ये देखिएगा, यहाँ पर मौके पर टीम पहुंची हुई है पुलिस की और यहाँ पर तमाम तस्वीरें देखिए। मिलाड कॉलोनी में मौजूद हूँ, बाटा चौक के पास पड़ती है और यहाँ पर तमाम तस्वीरें, एक वैगनार कार तीन लोगों को जो है ठोक कर चली जाती है। मौके से जो लोग हैं वो फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि तीन बंदे थे। अच्छा, कार छोड़ के फरार हो गए। ये देखिएगा, यहाँ पर मौके पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है और ये देखिए यहाँ पर ईआरवी की वैन भी पहुंची हुई है। और भैया कितने पहले घटना है? कितनी देर पहले घटना है? अभी आधे घंटे पहले। 20 मिनट हुआ है। अच्छा, बता रहे काफी गंभीर चोट लगी है, किसको लगी है? क्या कह रहे हैं? खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये देखिएगा, यहाँ पर भारी पुलिस है यहाँ पर पहुंची हुई है और तमाम तस्वीरें। ये देखिएगा, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वैगनार कार जो है ठोक कर चली जाती है। ऐसे में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाई साहब थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए मीडिया से हमें जी जी, थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिएगा, यहाँ पर काफी गुस्साए हुए लोग हैं और मौके से जो है गाड़ी चालक फरार हो गया है और पुलिस जो है निकालने की कोशिश कर रही है।
थोड़ी डिटेल दे दो, क्या कुछ हुआ था भाई साहब? भाई साहब क्या कुछ हुआ था एक बार बता दीजिए कि कैसे आपको सूचना मिली? क्या सूचना आई थी? क्या सूचना आई थी? एक्सीडेंट के बारे में आई थी। ये देखिएगा यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम तस्वीरें देखिए एक बार। ये देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग और पुलिस मौजूद है। पुलिस जो है कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। देखिएगा टक्कर इतनी जोरदार थी कि ये जो पोल है, ये देखिएगा ये जो पोल है ये भी मुड़ गया है और साइकिल भी काफी जो है खराब हालत में है। और ये देखिएगा दोबारा से देखिएगा यहाँ पर पुलिसकर्मी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस भी पहुंची हुई है। ईआरवी की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है और ये देखिएगा दिल्ली नंबर गाड़ी है और मौके पे एक्सीडेंट करके जो युवक है वो फरार हो गए और कार में जो है ये देखिएगा यहाँ पर कुछ ये देखिएगा एक बार मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि दिल्ली नंबर गाड़ी है। ये देखिएगा ये देखिए दिल्ली नंबर गाड़ी है DL 3CBU 8990। ये देखिएगा यहाँ पर और एक्सीडेंट करके चली जाती है। एक बच्ची बेहद गंभीर हालत में है, उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है और मौके पर भारी भीड़ है। मैडम किसको चोट लगी है? पीछे सट जाओ, पीछे सट जाओ भाई साहब, पीछे सट जाओ। ये देखिएगा जी, अच्छा उनसे पूछे। अच्छा किसको चोट लगी है भाई साहब? कौन कौन है वो लड़की, क्या नाम है? अच्छा कहाँ रहती है? यही रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करने गई थी? लड़की है हमारी, ठंडा लेने आई थी। अच्छा पेप्सी लेने आई थी, ठंडा लेने के लिए आई थी, दुकान पे आई थी तो दुकान पे ठोक दिया। देखिएगा पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। ये देखिएगा कार को बैक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है। इसे अब थाने में ले जाया जाएगा, सेक्टर 11 की चौकी लगती है। ये देखिएगा पुलिस ले जा रही है। तो भाई साहब ये देखिएगा यहाँ पर, भाई साहब थोड़ी डिटेल दे दीजिए, अब काम हो गया है जी। पीआरओ, हाँ जी हाँ जी, बताओ 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 क्या एक्सीडेंट हुआ था, कैसे सूचना मिली थी आपको, क्या सूचना मिली थी? एक्सीडेंट की सूचना मिली, एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, किसने दी थी? डायल 112 फोन आई थी, पुलिस मौके पर आ गई है जी। तो बताया जा रहा है कि पुलिस जो है गाड़ी को ले गई है और दारू पी रखी थी कुछ लोगों ने यहाँ पर, अच्छा पता लग पाएगा बाद में। तो हालत कैसी है फिलहाल लड़की की? जी जी बिल्कुल, देखिए घायलों को बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहाँ पर डायल 112 नंबर की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी और यहाँ पर अब जा रही है और लड़की जो है गंभीर हालत में है। ये देखिएगा यहाँ पर तमाम तस्वीरें, और ठंडा लेने के लिए लड़की आई थी और उसे जो है टक्कर मार के घायल कर दिया गया। ये देखिए तमाम यहाँ पर पुलिस मौजूद है, लोग मौजूद है। ये देखिए ये देखिएगा कॉलोनी वासी जो है लगातार यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं और बहुत ही बड़ी दुर्घटना यहाँ पर सामने आई है और फिलहाल जो है घायलों को बीके अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और यहाँ पर ये देख सकते हैं तमाम पुलिस जो है लोगों को सड़क से हटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 3 गाड़ी जो है पुलिस की मौके पर पहुंची थी और घायलों को बीके अस्पताल में ले जाया गया है। तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे सिटी न्यूज 100। नमस्कार।